हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा बोया बाई MM1 फेक और ओरिजिनल बाइक में अंतर बताऊंगा आपको, कौन सा फेक है कौन सा ओरिजिनल है, ये फेक है और ये ओरिजिनल, आप कैसे पता करेंगे। पहले तो देखो इसका स्टिकर रहते हैं, ये पहले स्टिकर रहता है, ये ओरिजिनल का है। इसमें बारकोड रहते हैं, प्लस यहाँ पर भी बारकोड रहता है। आप इसको हटाएंगे तो यहाँ बारकोड मिलेगा आपको, इसको स्कैन करेंगे तो आपको इसकी आप वेबसाइट पर चल जाएंगे, ये ओरिजिनल है, ये सारा पता चल जाएगा आपको। और ये है लोकल, लोकल में ऐसा आता है, ये बारकोड में ऐसा आता है। और ये जो ओरिजिनल आता है उसमें चाइनीज़ में लिखा हुआ था, लोकल में नहीं लिखा रहता। प्लस इसका स्टिकर है जो ये ओरिजिनल में भी ऐसा भी आता है और ऐसा भी आता है, ये दोनों आते हैं। प्लस ओरिजिनल में देखो ये लिखा जाता है, इसमें ओरिजिनल में ऐसा लिखा जाता है और लोकल में ऐसा। प्लस ये ओरिजिनल में ये कंपनी का सारा आता है कि कहाँ से आया हुआ है कहाँ से नहीं आया हुआ, प्लस ये लोकल में नहीं आता बिल्कुल भी। और मैं अभी इसको आपको खोल के बता देता हूँ कि कैसा क्या है। पहले हम ओरिजिनल खोलेंगे, अभी तो और भी पता कर सकते हो आप कि कैसे पता करेंगे कि ओरिजिनल है लोकल है। तो देखो ये मैंने खोल दिया, ये ओरिजिनल का है और ये लोकल का है। तो देखो मैं एक एक करके कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा लोकल है कौन सा ओरिजिनल है। पहले तो मैं आपको बता दूं ये है लोकल, तो ये आपको बाहर से मिल जाएगा, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। तो आपको मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आप ऑनलाइन ही मंगाइए, बाहर से मत मंगाइए। तो इन दोनों को साइड में रख देते हैं और आते हैं अब इन पे। तो ये तो वो है मैनुअल है, और ये साइड में रख देते हैं। तो देखो ओरिजिनल में ये स्टिकर आएंगे और लोकल में कोई स्टिकर नहीं आएगा, और ये क्वालिफाइड आएगा, ये सर्टिफिकेट आएगा इसका क्वालिफाइड कि ओरिजिनल है लोकल है। और ये सिलिका जेल आएगी ताकि ये नमी उमी से बच सके, ओरिजिनल में आएगी लोकल में नहीं आएगी। बात करते हैं विंडशील्ड की, और इसकी भी हटा देते हैं। तो गाइस देखो ओरिजिनल वाले में, देखो ओरिजिनल वाले में ये बारकोड आएगा, आपको बारकोड दिख रहा होगा। लोकल वाले में कोई बारकोड नहीं है, देखो कोई बारकोड नहीं है। प्लस ये जो विंडशील्ड की जो ये है शील्ड, ये आपको मैं बताता हूँ, ये ओरिजिनल वाली है और ये लोकल वाली, साफ पता चल रहा होगा, अलग ही इसकी क्वालिटी है और इसकी क्वालिटी में अंतर है। प्लस इसको हटा के देखते हैं। देखो गाइज इसकी एक तो ये नेट क्वालिटी देखे, ये ओरिजिनल है ये लोकल है, इसकी नेट क्वालिटी में देखिए ये कितनी थिन है और ये कितनी, देखो ये कितनी मतलब बड़ी है, ये इसकी क्वालिटी में आपको अंतर पता चल रहा होगा। तो इसको हम वापस लगा देते हैं, ओरिजिनल की ओरिजिनल में, लोकल की लोकल में। और गाइज मेरे हिसाब से तो आप बाहर से ना ही ले तो बढ़िया है, क्योंकि बाहर से लोकल आती है। प्लस हम इसके स्टैंड की बात करते हैं। देखो ओरिजिनल वाले में देखो इसका स्क्रू कैसा आता है और लोकल वाले में कैसा आता है। लोकल वाले में ओनली साधारण आता है, जिसपे अपन पेचकस से भी खोल सकते हैं, और इसका स्क्रू ड्राइवर अलग ही आएगा, मतलब कि ये अलग तरीके से खुलेगा। और इसका कलर में भी आपको पता चल रहा होगा कितना डिफरेंस है। प्लस बात करते हैं हम इसके ये वायर की, तो वायर तकरीबन सेम ही है, लेकिन ओरिजिनल वाली में तो फिर क्वालिटी बढ़िया आती है और लोकल वाले में थोड़ी बेकार आती है। प्लस की कैरी बैग की बात करते हैं। तो गाइज कैरी बैग में जो ये है ओरिजिनल वाला, इसमें देखो डबल सिलाई कर रखी है और इसकी क्वालिटी बढ़िया है। और जो लोकल वाला है ना, उसकी क्वालिटी थोड़ी है, मतलब कि ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, लेकिन ये जो इसकी सिलाई है ना, ये सिंगल है, मतलब आप पहचान ही गए होंगे इन्होंने डबल सिलाई कर रखी है ओरिजिनल वालों ने, और ये सिंगल वालों ने सिंगल, वो जो लोकल वाला उसने सिंगल कर रखी है। तो ये देख लीजिए अब, और मेन बात आपको बताता हूँ इसकी, जो आपको ये लोकल वाला है ये आपको सस्ते में पड़ जाएगा, आपको ये 1200 के करीब मिल जाएगा आपको बाहर मार्केट में, और ये ओरिजिनल वाला है ये 2000 के आसपास मिलेगा आपको ऑनलाइन भी, और बाहर तो शायद और भी महंगा मिले। और ये देखो प्लस इसका सर्टिफिकेट है, ये मेन चीज़ है, इससे क्या है कि देखो ये क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, ये देखो। और इसके बॉक्सेस की बात करें, प्लस देखो ये है
ये ओरिजिनल का ही लोकल का है, तो आप ये ओरिजिनल वाले में, लोकल वाले में देखो ये नंबर लिखे हुए आते हैं, और ओरिजिनल वाले में बारकोड यहाँ भी आता है और इसके अंदर भी आता है। इसको अपन हटाएंगे ना तो यहाँ पर बारकोड आएगा, इसको स्कैन करके अपन साइड पे देख सकते हैं कि ओरिजिनल है लोकल है। प्लस यहाँ चाइनीज़ में लिखा हुआ है और इसमें चाइनीज़ में नहीं लिखा हुआ था। और बाकी देखो इसमें इसमें जिस किसी ने भेजा है, मतलब जिस कंपनी ने भेजा है उसका नाम है ओरिजिनल वाले में और लोकल में नहीं है, क्योंकि लोकल का कोई पता नहीं है कहाँ से आया है ये हर, मतलब कि ये बन रहा है उसका पता नहीं है कहाँ बन रहा है ये, और ये कंपनी से सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड है ये। तो आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि ओरिजिनल और लोकल में अंतर क्या है। ये वैसे सिंपल है, ज़्यादातर आपको पता चल ही जाएगा। पहले तो आप उठाते ही इसको देख लोगे ना तो आपको ये बारकोड मिल जाएगा, और इसमें बारकोड नहीं देगा। अगर बाहर भी आप लो तो ये पहले ये चीज़ें देख के लो, क्योंकि आपको बाद में पछताना ना पड़े कि आपने लोकल ले लिया, होता है ना। एक अब देखो मैंने लिया है ये, मैंने लोकल ले लिया या ओरिजिनल ले लिया, तो मैंने पहले ये लिया लोकल वाला, फिर मेरे को मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये होता है इसमें ओरिजिनल में और लोकल में, तो फिर जाके मैंने फिर ओरिजिनल मंगाया। अब मैं लोकल नहीं ओरिजिनल यूज़ करता हूँ केवल। और आइंदा से आप भी ध्यान रखिए कि ऑनलाइन वो ऑफलाइन फ्रॉड भी होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड भी होते हैं वैसे, लेकिन आपको जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए चीज़ की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में।